व्यक्ति का चेहरा का सवाल है, हम अपने को कभी उस रूप में पेश नहीं किया और न कभी सोचा। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही कहना था कि कोई भी निर्णय हो, हम पांच दल हैं तो पांचों दल के लोग बैठ कर निर्णय लें। जो निर्णय राजद ले रहा है हो सकता है वही निर्णय ले जा सके, लेकिन सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस होता और कहा जाता कि एनडीए के नेता अथवा महागठबंधन के नेता फलना है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और हम तो समझते हैं कि जो हमने बात आगे बढ़ाई थी आज उसी बात पर सबको हैं और उसी बात पर आमादा होकर के आज उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा आप कह रहे हैं कि महागठबंधन छोड़ रहे हैं। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहाँ मान रही है, कांग्रेस का भी तो करना है कि तब चुनाव हम लोग नेता की बात करेंगे। अभी नेता तेजस्वी प्रसाद हैं सो नहीं कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहे हैं राजद के लोग। इसी पर तो डिफरेंसेस हुआ कि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तुम कितनों भी आप बलवान हो, कितनों आप महत्वाकांक्षी हो, तो आपको सबकी बात लेकर के चलना चाहिए। और अगर लेकर के न चलते हैं तो फिर ऐसे जगह में हमारे ऐसे आदमी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले छोड़ा। और हमको संतुष्टि होती है कि जिस रास्ते पर हम चले उपेंद्र जी भी चल रहे हैं, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लोग भी उसी बात को दोहरा है जिस बात को हमने कहा है। लेकिन आज वो भी महागठबंधन में हैं, अभी अलग बात है कि आगे क्या होता है तो देखे जाने की बात है। हमने वैसी बात कोई कही है या न कही है हमको स्मरण नहीं है, लेकिन इतनी बात सच्चाई है जो हम महागठबंधन में रह कर महसूस किया कि महागठबंधन के लोग अपना जो लड़ाई है उसको सटीक लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवारवाद, अपना वंशवाद को लेकर के ही चलने वाले में से हैं। और यही कारण है कि जब हम लोग आए उस पार्टी में और ये सब चीज़ देखा तो हम तो नहीं बोलते थे, लेकिन रघुवंश बाबू बेचारे स्वर्गीय हो गए, उन्होंने तो बोला कि हाँ साहब वहाँ क्या होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात सदा करते रहे, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए एक दिन में नहीं, पाँच छः महीना समय दिया राजद को, दो महीना समय दिया कांग्रेस को। इन लोगों ने आश्वस्त किया था कि हाँ साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। अब बनते न देखने के बाद हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था उन लोगों को छोड़ने का, क्योंकि हास्यास्पद स्थिति हमारी हो गई थी। जो टाइम बढ़ाते जा रहे थे कि इतना दिन तक न करेंगे तो हम फैसला लेंगे, इतना दिन तक नहीं करेंगे तो फैसला लेंगे। तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही किया? अब रही बात कि कोई भी आदमी जो डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास करता है वो महागठबंधन के वर्तमान नेतृत्व में नहीं रह सकता है। और हम समझते हैं कि कुशवाहा जी एक मजे हुए राजनीतिक हैं, अच्छा उनका अनुभव है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अभी तक वहाँ वो रह रहे हैं यही आश्चर्य में रहा है। नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है सर, औपचारिक ऐलान ही बाकी है। एनडीए में आएंगे, स्वागत करेंगे आप, चाहेंगे कि आ जाएं साथ? देखिए एनडीए में हम भी जस्ट आए हैं और यहाँ हम कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है हम चाहेंगे कि एनडीए का पुनः मजबूत मंत्री का चेहरा का सवाल है। हम अपने को कभी उस रूप में पेश नहीं किया और न कभी सोचा। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही कहना था कि कोई भी निर्णय हो, हम पांच दल हैं तो पांचों दल के लोग बैठ कर निर्णय लें। जो निर्णय राजद ले रहा है हो सकता है वही निर्णय लिया जा सके, लेकिन सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस होता और कहा जाता कि एनडीए के नेता अथवा महागठबंधन के नेता फलना है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और हम तो समझते हैं कि जो हमने बात आगे बढ़ाई थी आज उसी बात पर सबको हैं और उसी बात पर आमादा होकर के आज उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा आप कह रहे हैं कि महागठबंधन छोड़ रहे हैं। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहाँ मान रही है, कांग्रेस का भी तो करना है कि तब चुनाव हम लोग नेता की बात करेंगे, अभी नेता तेजस्वी प्रसाद हैं सो नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहे हैं राजद के लोग। इसी पर तो डिफरेंसेस हुआ कि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तुम कितनों भी आप बलवान हो, कितनों आप महत्वाकांक्षी हो, तो आपको सबकी बात लेकर के चलना चाहिए। और अगर लेकर के न चलते हैं तो फिर ऐसे जगह में हमारे ऐसे आदमी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले छोड़ा। और हमको संतुष्टि होती है कि जिस रास्ते पर हम चले उपेंद्र जी भी चल रहे हैं, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लोग भी उसी बात को दोहरा है जिस बात को हमने कहा है। लेकिन आज वो भी महागठबंधन में हैं, अभी अलग बात है कि आगे क्या होता है तो देखे जाने की बात है। हमने वैसी बात कोई कही है या न कही है हमको स्मरण नहीं है, लेकिन इतनी बात सच्चाई है जो हम महागठबंधन में रह कर महसूस किया कि महागठबंधन के लोग अपना जो लड़ाई है उसको सटीक लड़ाई नहीं करना चाहते हैं।
वो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवारवाद, अपना वंशवाद को लेकर के ही चलने वाले में से हैं। और यही कारण है कि जब हम लोग आए उस पार्टी में और ये सब चीज़ देखा, तो हम तो नहीं बोलते थे, लेकिन रघुवंश बाबू सारे स्वर्गीय हो गए, उन्होंने तो बोला कि हाँ साहब वहाँ क्या होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात सदा करते रहे, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए एक दिन में नहीं, 5-6 महीना समय दिया राजद को, 2 महीना समय दिया कांग्रेस को। इन लोगों ने स्पष्ट किया था कि हाँ साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। अब बनते न देखने के बाद हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था उन लोगों को छोड़ने का, क्योंकि हास्यास्पद स्थिति हमारी हो गई थी। जो टाइम बढ़ाते जा रहे थे कि इतना दिन तक न करेंगे तो हम फैसला लेंगे, इतना दिन तक नहीं करेंगे तो फैसला लेंगे। तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही किया? अब रही बात कि कोई भी आदमी जो डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास करता है वो महागठबंधन के वर्तमान नेतृत्व में नहीं रह सकता है। और हम समझते हैं कि कुशवाहा जी एक मजे हुए राजनीतिक हैं, अच्छा उनका अनुभव है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अभी तक वहाँ वो रह रहे हैं, यही आश्चर्य में रहा है। नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है सर, औपचारिक ऐलान ही बाकी है। एनडीए में आएंगे, स्वागत करेंगे आप, चाहेंगे कि आ जाएं साथ? देखिए, एनडीए में हम भी जस्ट आए हैं और यहाँ हम कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, हम चाहेंगे कि एनडीए का पुनः मजबूत हो।